यो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो कैसे भाई आप सब लोग? और आज क्या हुआ, मैं जब सुबह सुबह भाई बैठा था, तो बैठे हुए मैंने कहा कि आज के आई ए ब्रांड की कार्स बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रही हैं। तो इंडिया में हमारे एक अंकल रहते हैं, उन्होंने एक कार परचेज की, SUV वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो हमारा भी मन था, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स कार नहीं है KIA की, बट यहाँ पर है। तो OLX पर मैं देख रहा था, तो ये मेरे को मिली है $5 लाख की। बंदा गाड़ी बेच रहा है, $5 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, बट एक अच्छी कार है। अगर ज़्यादा $5 लाख की नहीं है, मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 8-10 लाख रुपये की कार है, ठीक है, सेकेंड हैंड दे रहा है। हाँ, हल्की सी गाड़ी पे छोटे मोटे स्क्रैचेस तो देखो हर कार पे आपको मिलेंगे। आप अगर ये सोचोगे कि इस प्राइस रेंज में आपको कोई बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी मिल जाएगी, तो देखो भाई लोग, वो तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, नहीं मिलने वाली है। गाड़ी बेसिकली ओरिजिनल है, कहीं से पेंट नहीं करा रखा है, और हेडलैम्प्स वगैरह सब अच्छे लग रहे हैं। बस नीचे से थोड़े स्क्रैचेज हैं, फ्रंट बम्पर पे थोड़े से स्क्रैचेज हैं, एज यू कैन सी। और गाड़ी पूरी की पूरी बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ी है। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर देख लो, बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है गाड़ी का, बिल्कुल साफ सुथरा। भाई ने बहुत कम चलाई है, और ये गाड़ी में बता दूँ ऑटोमेटिक है और स्पोर्ट्स वर्जन है उसका, ठीक है। सैन एंड्रियास का नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो मैंने तो ले लिया। मैंने कहा एक बार भाई लोगों को दिखा दी जाए, और अभी मैं इसका पूरा रिव्यू आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले हम डिलीवरी लेकर यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं। टर्बो ट्यूनिंग पहले से गाड़ी में लगी हुई आती है, इसमें स्पोर्ट्स मॉडल है ना, देख रहे हो। और 7000 RPM पे जाके ठुकती है गाड़ी, बढ़िया है, अच्छी लग रही है अंदर से भी, इंटीरियर वाइज बहुत अच्छी है, सनरूफ वगैरह खुलती है इसकी। मैं सोच रहा हूँ पहले इसको एक बार गाड़ी की सर्विस वर्विस करा दूँ, और एक बार गाड़ी का ये जितना भी है ना, ये ठीक करा देता हूँ। पहले सर्विस तो करानी बनती है दोस्तों इस गाड़ी की, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी है, क्या पता इन बंदे ने सर्विस कब कराई होगी। गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, और बहुत हाई पिकअप है। दूसरे तीसरा गियर लगाते ही एकदम पहुंचती है, और गियर में भी लगाता ऑटोमेटिकली लगता है, और कार गियर्स बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रखती है। ये तो मेरे को बात बहुत अच्छी लगी भाई कार की, बहुत अच्छे तरीके से। और गाड़ी के अंदर ABS है, तो चारों टायर एक साथ ब्रेक लगाते हैं, एक ब्रेक पे चारों टायर लगते हैं ब्रेक में, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, तभी तो इसके व्हील गरम रहे। चलो, मैं बेसिकली ओरिजिनलिटी तो कुछ भी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा गाड़ी की। इसके अंदर बहुत सारे लीवर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वो अगर इंस्टॉल इसमें करवा दूँ। यार पैसे बड़े लगते हैं इन वाली गाड़ियों के ऊपर। तो इसके पास क्या रहा, बॉडी किट भी पड़ी है मेरे पास, लगवाना चाहते हो तो लगवा लो। एक ये है और एक ये है, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई लगा दे, एक बॉडी किट लगवा लेता हूँ, ठीक है। चैसी भी लग जाती है अंदर, रोल रेज नहीं मुझे चाहिए नहीं। इसके एग्जॉस्ट भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, तो एग्जॉस्ट भी हुड यार ओरिजिनली अच्छा लग रहा है, कार्बन फाइबर का हुड है ना, इतना अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। ओ माय गॉड, इसमें आप इंटीरियर में ये भी रख सकते हो, काफ़ी सुंदर तो दोस्तों लग रहा है, देखो हर चीज़ सुंदर लगती है यहाँ पे रखा हुआ, और ब्लैक एंड वाइट ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा। नियॉन किट लगवा दो, लेआउट नियॉन कलर हॉट पिंक की अच्छा रहेगा। एक्सोनोस लाइट तो मैं लगवानी चाहूँगा, प्लेट जो है ब्लैक कलर की करवा देता हूँ। ओके, नहीं सनरूफ तो इसी, स्किड्स लगवा लो। स्पॉयलर भी इसका एक एक्सटर्नल मिल जाता है, तो चलो एक स्पॉयलर भी लगवा लिया जाए, क्योंकि गाड़ी तो बहुत अच्छी है। ओके,
सुपर ट्रांसमिशन का, थैंक यू सो मच। व्हील तो चेंज नहीं करवाऊंगा। ओके या गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है भाई। और इसका कलर तो चेंज करवाना ही ना, रेड में इतनी अच्छी लग रही है कि आई अगर मैं इसको पिंक कलर बनाऊँ ना बहुत सुंदर लगेगी दोस्तों पिंक कलर में। पर पिंक कलर यार एक बार चलो पिंक कलर ही बनवा लेना, एकदम यूनिक लग रही है गाड़ी। यूनिक तो देखो दोस्तों लगेगी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। इस कलर में भी काफ़ी सुंदर लग रही है। इस कलर में तो दोस्तों हर कार बहुत सुंदर लगती है, मैं आपको पहले बता दूं। अब देखो 6-7 लाख रुपए की मैंने कार ली, 8-9 लाख की, और इसके ऊपर अभी मेरे कम से कम 3 लाख रुपए लग चुके हैं इसके ऊपर अब तक। पर गाड़ी भी तो हाँ हाँ कार बन गई है अभी। अगर हम इसको रात को चलाने की बात करें, गाड़ी को बात की जाए अगर रात को चलाने की, तो कार आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और इसमें कैमरा लगा हुआ है बैक का जो सब कुछ शो करता रहता है, भयंकर है दोस्तों एकदम भयंकर। अगर हम इसके 1000 लाइट्स की बात करें, हाँ ये भी काफ़ी अच्छा है। ओ माय गॉड, ओके भयंकर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों कार चलने में, तो मज़ा भी आ रहा है और सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे है, इंजन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। वैसे गाड़ी के अंदर वो बंदा ही कहता पूरी ओरिजिनल है, पर जैसे मैंने बनवा दी है ना इस कार को, शायद ही किसी की होगी यहाँ पर, शायद ही किसी की होगी, सच बोल रहा हूँ। चलो ओह माय गॉड, गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है दोस्तों, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। अगर मैं इस कार को सीधा टेलीपोर्ट करूं एक नेशनल हाईवे के ऊपर, ठीक है, और ये रहा वह हाईवे, ओके बेसिकली 4 लेन हाईवे है, यहाँ से हाईवे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस पर टेलीपोर्ट हो जाऊँ और भगाऊँ इस पर, कितनी टच कर सकती है गाड़ी, 300 प्लस तो जाएगी। 7वां गियर पहले लग गया गाड़ी में, 200 पे ही लगा दिया 7वां गियर इसने, ऑटोमेटिक है ना। चार सौ जाती है मेरे ख्याल से ये वाला मॉडल। ओ माय गॉड, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों। इस कार की टॉप स्पीड होने वाली है 500, इस कार की टॉप स्पीड गाइस 500 होने वाली है, आप सोच सकते हो इस गाड़ी की टॉप स्पीड 500 दोस्तों, 500, क्या बात है यार। यह एक स्मूथ इंजन, एक स्मूथ बीस्ट है, मतलब उतना वो भी नहीं करती है कि हाँ मैं भाग रही हूँ मैं नहीं भाग रही हूँ, और भागती भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मेरे को ये बहुत अच्छी लगी दोस्तों। स्मूथ बीस्ट है, काफ़ी अच्छी है, यूनिक है। और अगर मैं आपको इसका इंटीरियर एक बार दिखाऊं और इसका आउटीरियर एक बार दिखाऊं, तो चलिए गाइस हम बाहर निकलकर आपको दिखाते हैं कि इसका इंजन वगैरह जैसे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है बॉडी के अंदर, आखिर क्या क्या चीज़ें जो है इंस्टॉल की गई हैं। वेट गाइस, ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं इंजन देखिए, भयंकर इंजन है ना, एकदम चैसी वैसी ऐसी दे रखी है भयंकर वाली। भैया एक कोई एक बार देखेगा ना इंजन, ओए होए प्यार हो जाएगा उस गाड़ी से। और बैक सीट्स कितने ज़्यादा सुंदर है, बूट स्पेस कितने ज़्यादा सुंदर है। ये एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार है, ये एक लग्जरी ट्रैवलिंग स्पोर्ट्स कार है, जहाँ से तुम इसे ट्रैवल भी कर सकते हो और भगाओगे तो भागेगी भी, समझ रहे हो, भगाओगे तो भागेगी भी। और एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार है जो इसको माना जाता है मेरे ख्याल से, तो मैं तो इसको देखो यही नाम देना चाहूँगा दोस्तों।
और मेरी उम्मीदों पे तो बिल्कुल खरी उतरी है। गियर अपने हिसाब से बहुत अच्छे मेंटेन कर कर रखती है। हाँ, इसको हम कल माउंट चिड़ियाड पर चढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से तो चढ़ी जाएगी, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, बट फिर भी एक बार। हिलती भी नहीं है, आराम चिपक कर चलती है। बात की जाए ब्रेकिंग की, ब्रेक तो अपनी जान पूरी लगा देते, ब्रेक भी लाल हो जाता है, बट 500 की स्पीड को रोकना बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग काम हो जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं आप? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। दो सौ तो पता भी नहीं देती कब चली गई 200 पे। 200 के बाद जब आरपीएम बढ़ता है ना दोस्तों, सातवें गियर के बाद जब आरपीएम पूरा अपर लेवल पर रहता है, तो स्पीड ऐसे बढ़ती है बस, क्या ही पूछो, पूछो ही मत। लो गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर एक मिनट में ऐसी तैसी हो जाती है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे को तो कार एक नंबर की लगी है हाल फिलहाल। आपको ये कार कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट करके जोर से बताएगा। अभी ये पुलिस यार मेरे पीछे पड़ गई है, जरा उनको चालान वालान भी भरना होगा उनका। तो यार उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई लोग आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।